हर साल लोगों को उधर डूबना है। यानी आप आरोप लगा रहे सीधा, जितना भी होता है सब मिली भगत की। मिली भगत से होता है या मेरे पे अगर कुछ भी हुआ तो जिन जिन सर्वे नंबर पे जो जो है वो सब पे एफआईआर दाखिल होना चाहिए। आप कह रहे प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपका नाम लेकर चला रही है, तो क्या आपसे इन लोगों ने संपर्क किया? कहीं ना कहीं तो मेरी जान को खतरा हो सकता है, कहीं ना कहीं तो मेरे बीवी बच्चों को जान को खतरा हो सकता है। रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस दिखा के कोर्ट को गुमराह करने के चक्कर में तहसीलदार कलेक्टर ने एफिडेविट फाइल कर दी है। तहसीलदार को मेरा कंप्लेंट पे कंप्लेंट चालू है कि इल्लीगल भरनी हो रही है, इल्लीगल भरनी हो रही है, इल्लीगल भरनी हो रही है। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं आरटीआई कार्यकर्ता आरिफ इराकी। इन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में मैंग्रोव को लेकर जो है याचिका दायर की गई थी, और मैंग्रोव को लेकर जो मुंब्रा शहर में अवैध तरीके से जो खाड़ी में मैंग्रोव नष्ट करके जो निर्माण किए गए थे कोर्ट की तरफ से, उन्हें तोड़ने की जो है परमिशन दी गई थी। लेकिन जो दीवा में कार्रवाई की गई है वो किसके और कौन सा आरटीआई कार्यकर्ता है और किसने ये दाखिल की थी, वहाँ पर भी नाम जो है आरिफ इराकी का आ रहा है। लेकिन आरिफ इराकी जो है इसको लेकर खुलासा कर रहे हैं कि वो हमारे जो याचिका दायर की गई थी उस पर कार्रवाई नहीं की गई है। ठाणे महानगर पालिका ने जो कार्रवाई की है आखिर वो किसके याचिका पर कार्रवाई की गई है, हम उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। आरिफ इराकी साहब, आपने जो है बॉम्बे हाई कोर्ट में जो है याचिका दायर की थी जो मैंग्रोव नष्ट किए जा रहे हैं और उसके बाद वहाँ पर जो अवैध तरीके से निर्माण किया जा रहा है मैंग्रोव को नष्ट करने के बाद, तो आपने मुंब्रा शहर को लेकर जो है याचिका दायर की थी। लेकिन जो कल दीवा शहर में जो मनपा के तरफ से कार्रवाई की गई है, क्या आपकी याचिका पर ही वहाँ कार्रवाई हुई है? नहीं, उधर जो दीवा प्रभाग समिति से जो कार्रवाई हुई है कल, वो मेरी याचिका से कार्रवाई नहीं हुई है। वहाँ किसी और ने, आरटीआई कार्यकर्ता है या पत्रकार है, किसी और ने मुंबई हाईकोर्ट के अंदर पीआईएल फाइल किया है और वो मैंग्रोव से रिलेटेड ज़्यादा नहीं है, वो इल्लीगल कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। और इल्लीगल कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होने की वजह से कल दीवा प्रभाग समिति ने और मनीष जोशी साहब, गुरपुले साहब, जगताप साहब, इन्होंने मिलकर वो कार्रवाई की है। मगर आज जब सवेरे में उठा हूँ तो मैं देखा हूँ बहुत सारे पेपर के अंदर मेरा नाम आया है और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर भी मेरा नाम आया है। तो मैं इसके लिए खुलासा देना चाहता हूँ कि मेरी लड़ाई जो है मुंब्रा कौसा के मैंग्रोव बचाने के लिए है, मैंग्रोव बचाने के लिए मेरी लड़ाई जो है वो सिर्फ मैंग्रोव बचाने के लिए है। अवैध निर्माण से मेरा कोई लड़ाई नहीं है, वहाँ के लोग बेघर हुए हैं, अब नाम मेरा आ रहा है, कल के तारीख में इसके अंदर तकलीफ मुझे होगी। आपको तकलीफ हो रही है, किस तरह की आपको तकलीफ? देखो, किसी का घर टूटता है, कार्रवाई होने के बाद क्या आपको अभी मेरे को कोई धमकियां दी गई? आज कहीं से अनोनिमस मेरे को मैसेज आया है कि मतलब कल कुछ लोग मेरे घर के सामने धरना प्रदर्शन करने वाले हैं, कुछ करने वाले। मैंने अपना मुंब्रा पुलिस चौकी के अंदर इन्फॉर्म कर दिया हूँ कि ऐसा ऐसा इश्यूज़ है, आप ज़रा देख लो। तो कैसा है कि अगर किसी लीगल लड़ाई आप लड़ रहे हो और कुछ गलत इल्ज़ाम अपने ऊपर लगेगा तो उसके लिए तो मुझे झेलना ही है ना। मगर ये गलत इल्ज़ाम जो है वो मुझ पर लग रहा है, वो दीवा के बांधकाम को लेके मेरा हाईकोर्ट के अंदर कोई भी याचिका नहीं है और वो दीवा के बांधकाम के तुड़ाने के अंदर मेरा हाथ नहीं है। वो वहाँ का ही कोई लोकल है, पत्रकार है, अब आरटीआई कार्यकर्ता है, उसका तो मैं नाम नहीं जानता, मगर उसके रिट पिटीशन के ऊपर, उसका पीआईएल के ऊपर वो जो है कार्रवाई हुआ है। यानी वहाँ पर आपके आपने जो याचिका दायर की थी उस याचिका के पर जो है वहाँ पर कार्रवाई नहीं की गई ठाणे महानगर पर? नहीं, मेरी याचिका को लेके वहाँ से वहाँ पर कार्रवाई नहीं, मेरी याचिका के अंदर आप सरासर इनकार कर रहे हैं। लेकिन जो खबरें चल रही हैं उसमें आपका नाम आ रहा है कि आपने किया था, तो क्या ऐसा है कि जो है आप कह रहे हैं कि हम मुंब्रा शहर से किए थे मैंग्रोव को लेकर, आप सिर्फ मैंग्रोव को लेकर ही चल रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं जो मैंग्रोव नष्ट करने के बाद वहाँ इलीगल कंस्ट्रक्शन का काम हुआ, जो अवैध बांध काम हुआ है उस पर भी जो है कोर्ट का ऑर्डर है उन्हें तोड़ने का, क्या कहेंगे आप इसका? देखो, कैसा है कि मेरी जो याचिका फाइल थी, मेरे याचिका के अंदर स्पेसिफिक सर्वे नंबर्स थे, मैंने स्पेसिफिक सर्वे नंबर्स मेंशन करके दिया हूँ कि नरोत्तम नगर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के ये सर्वे नंबर से यहाँ मैंग्रोव से यहाँ डिस्ट्रक्शन हुआ है, और लता और आदित्य गोयल के ये सर्वे नंबर से यहाँ मैंग्रोव डिस्ट्रक्शन हुआ है, और वो मेरा स्पेसिफिक मेरा पॉइंट आउट है। अब कैसा है कि वो लैंड माफिया और बिल्डर लॉबी का जगह बचाने के लिए तहसीलदार और कलेक्टर ने हाईकोर्ट के अंदर गलत एफिडेविट फाइल किए। सीआरजेड का कानून 1991 से लागू हुआ। अब सीआरजेड के कानून के हिसाब से ऐसा है कि अगर 1991 से पहले अगर आपका बांधकाम है तो उसको तोड़ा दिया जाएगा।
अब देखा जाए तो पुलिस स्टेशन 1991 से पहले का है, फायर ब्रिगेड 1991 से पहले का है, शमशान भूमि 1991 से पहले का है, वो उधर कोई स्कूल है और कॉलेज है पीछे नारायण नगर के अंदर, वो भी 1991 से पहले का है। तो वो जब सीआरजेड कानून के अंदर है कि 1991 से पहले अगर बांधकाम हुआ है तो तोड़ा नहीं जाएगा, तो फिर ये जो है इन लोग ने मतलब तहसीलदार और कलेक्टर ने कोर्ट को मिसगाइड किया है कि भाई इतना बांधकाम हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अब ऐसा है कैसा करेंगे, कोर्ट को मिसगाइड किया गया, कोर्ट को उन्होंने मिसगाइड किया। मेरा पिटीशन है सर्वे नंबर 29 पार्ट, आप अगर सीआरजेड का 2011 का नक्शा देखोगे तो उसके अंदर सीधा साधा है चूहा पुल जो जा रहा है, चूहा पुल, चूहा पुल के इस तरफ एक थोड़ा सा पट्टा है वो 29 पार्ट है, और उसके बाद फिर 39, 44, 43 जो इधर है, और बाद में 236, 151 जो दीवा में है, ये स्पेसिफिक सर्वे नंबर मेंशन किया हूँ। 29 का पार्ट का मतलब वो हिस्सा जहाँ मैंग्रोव प्लान के अंदर है और वो डिस्ट्रक्ट हुआ है। तुमको पूरा 29 पूरा लेने के लिए तो मैंने एफिडेविट नहीं फाइल किया हूँ, मैंने पिटीशन नहीं फाइल किया हूँ, तो पूरा 29 का सर्वे का रिपोर्ट देने वाला कौन, तहसीलदार और कलेक्टर? तो कोर्ट को गुमराह करने वाला कौन, तहसीलदार कलेक्टर? आज तहसीलदार और कलेक्टर बोलते हैं वहाँ मैंग्रोव था और डिस्ट्रक्शन हुआ है, तो उस वक्त जब मैंग्रोव था डिस्ट्रक्शन हो रहा था तो वो क्या कर रहे थे? तो ये तहसीलदार और कलेक्टर कहीं ना कहीं कोर्ट को मिसगाइड कर रहे, ताकि ये मतलब रेजिडेंशियल प्रमाइसिस और ये सब दिखा के जो ओपन लैंड है बिल्डर माफिया, लैंड माफिया, इनका बचाया जाए। यानी आपका कहने की बात है जब मैंग्रोव नष्ट किया जा रहा था तब तहसीलदार और कलेक्टर ने उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की? आज तक एक एफ आई आर रजिस्टर नहीं है, कोर्ट को गुमराह किया जा रहा है, आज तक एक एफ आई आर रजिस्टर नहीं है, आज तक मैंग्रोव डिस्ट्रक्शन का एक एफ आई आर रजिस्टर नहीं है कि मैंग्रोव डिस्ट्रक्शन हुआ है, जबकि 80 एकड़ जगह पे मैंग्रोव डिस्ट्रक्शन हुआ है, तो एक भी एफ आई आर रजिस्टर नहीं है। तो ये गलती उनकी है। अब ये गलती छुपाने के लिए, मेरे को कहीं ना कहीं दबाने के लिए, कहीं ना कहीं मुझे उलझाने के लिए ये दीवार, क्या लगता है कि कहीं इसके पीछे कोई साजिश है जो आपको फंसाने की कोशिश की जा रही है? 100% ये मेरे को समझो, देखा जाए तो मेरे को इन्वॉल्व कर रहे हैं कि ये उधर इन्वॉल्व हो जाएगा, लोग चिढ़ जाएंगे तो मेरे पे कुछ ना कुछ हमला हो जाए, मेरे पे कुछ मतलब हो जाए और मैं डर जाऊं। कैसा है कि मतलब लोगों को मेरे खिलाफ भड़काने का ये इन लोग का साजिश चालू है। आप कह रहे हैं कि आपको आज मैसेज भी आया, तो कौन है वो जिसने आपको मैसेज किया है? एक दोस्त है मेरा, शुभचिंतक है, उसने मेरे को बोला कि भाई ऐसा ऐसा मसला चालू है तेरे नाम से, क्योंकि आज देखा जाए तो जितने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ले लो या प्रिंट मीडिया ले लो, सबके अंदर ये हेडलाइंस है, ये न्यूज़ है, जहां बिना मेरे कोर्ट के बिना मेरे से पूछे इन्होंने मेरा नाम चलाया कि आरिफ इराकी, आरिफ इराकी ने स्पेसिफिक सर्वे नंबर्स दिया है। आपको पता किए होते मेरे ऑर्डर के अंदर सर्वे नंबर्स है, और वो जो कार्रवाई हुई है वो दीवा के उस तरफ हुई है, दीवा के इस तरफ नहीं, लता गोयल और दीवा आगासन के तरफ, आगासन की तरफ, और वो पार्ट मेरा पिटीशन का नहीं है। तो जब वो पार्ट ही नहीं है मेरा पिटीशन का, तो वो मेरे पिटीशन पे कार्रवाई कैसे होगी? वो उधर का कोई लोकल है पत्रकार और प्रेस जिसने वो पिटीशन फाइल किया, 6 या 7 बिल्डिंग है और एक बंगलो या चाली है, उसके खिलाफ उसने पिटीशन फाइल किया जिस पे हाईकोर्ट ने वो ऑर्डर दिया कार्रवाई करने का। मेरा उसके अंदर कोई रोल नहीं है, मगर मुझे इसके अंदर इन्वॉल्व किया जा रहा है ताकि मुझे तकलीफ हो। ऐसे चलिए 5 बिल्डिंगों पर वहाँ कार्रवाई हुई है और एक इलीगल था जो रहते थे लोग, वो सब तोड़ा गया, वहाँ कार्रवाई हुई है, तो इसको भी लेकर तमाम खबरें हैं जो आपके आ रही हैं आपके ऊपर। हाँ बस यही है, मेरी तरफ आ रही है ना, तो ये मुझे कहीं ना कहीं तो नुकसान देगा, कहीं ना कहीं तो मेरी जान को खतरा हो सकता है, कहीं ना कहीं तो मेरे बीवी बच्चों को जान को खतरा हो सकता है। आज जो चीज मेरा इन्वॉल्वमेंट, आपको क्या बोला, फायर ब्रिगेड के इस तरफ का पार्ट मेरा जो है वो मैंग्रोव का है, फायर ब्रिगेड का उस तरफ, मगर रेजिडेंशियल प्रीमाइसिस दिखा के कोर्ट को गुमराह करने के चक्कर में तहसीलदार कलेक्टर ने एफिडेविट फाइल कर दी है, अब उधर के लोग मेरे पे चिढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं तो मुझे खतरा है, तो इनडायरेक्टली मुझे तकलीफ है। किसकी वजह से? उन ऑफिसर की वजह से जिन्होंने कोर्ट को मिसगाइड किया है। उनका काम था मैंग्रोव बचाना, उन्होंने मैंग्रोव बचाए नहीं, उधर इलीगल कंस्ट्रक्शन होने दिए, आज भी इलीगल भरनी चालू है मुमरा कोसा में, तहसीलदार को मेरा कंप्लेंट पे कंप्लेंट चालू है कि इलीगल भरनी हो रही है, इलीगल भरनी हो रही है, इलीगल भरनी हो रही है, मगर एक भी वो एक्शन नहीं ले रहे। आज जो चांद नगर के अंदर ये बारिश में जो चांद नगर भरा, मेरा एक सवाल है कि पिछले आप चले जाओ, पीछे एम एम वैली के पीछे आप चले जाओ, आप अगर 5 साल पहले गए होते उधर तो 10-10, 12-12 फुट का खड्डा था, आज उधर भरनी हो गया, लेवल हो गया है, 10-10, 12-12, 15-15 फुट की भरनी हो गई है। तो जब पानी समुंदर से आएगा और जब वो खड्डा था वो भरनी होके उधर मट्टी आ जाएगी, तो पानी नेचुरली लोगों के घर में आएगा, हर साल लोगों को उधर डूबना है। यानी आप आरोप लगा रहे सीधा, जितना भी होता है सब मिली भगत की, मिली भगत से होता है,
तभी ना शामिल होते हैं। अरे मिली भगत से होता है, आपको एक उदाहरण देता हूँ मैं, आप मुमरा ब्रिज चढ़ जाओ, आप सामने देखो रेती निकाल रहे, कितनी बार कार्रवाई की इन्होंने। आज मैंग्रोव की अहमियत गवर्नमेंट जानती है, आज मैंग्रोव की अहमियत हाईकोर्ट जानती है। तो अगर मैंग्रोव की अहमियत हाईकोर्ट जाती है तभी हाईकोर्ट उसको रीजनरेट का ऑर्डर कर दिया ना, कि आज नहीं कल उसका फायदा कहीं ना कहीं किसी लोगों को है। यहाँ के बिल्डर लॉबी या कोई भी है, मैंग्रोव तोड़ेंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, चले जाएंगे, भुगतना उधर के लोगों को है। जिस तरह से बता रहे हैं कि आपको जो है खतरा है जान का, तो क्या आपने इसको लेकर पुलिस में कुछ नहीं, मैंने जैसे मेरा ऑर्डर हुआ हाईकोर्ट में, जैसे मेरा ऑर्डर हुआ मेरे को खबर मिल गई थी कि भाई तेरे को कहीं ना कहीं तकलीफ होगी, तो मैंने 31 तारीख को ही लेटर सीएम से लेके नीचे तक सबको मैंने लेटर भेज दिया हूँ कि भाई ऐसा ऐसा मसला, मेरी जान को खतरा है, क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़े बड़े बिल्डर्स इन्वॉल्व है और बड़े बड़े नेता इन्वॉल्व है, तो कभी ना कभी मेरे को इसका तकलीफ होएगा, तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे को पुलिस प्रोटेक्शन दे दो, या मेरे पे अगर कुछ भी हुआ तो जिन जिन सर्वे नंबर पे जो जो है वो सब पे एफआईआर दाखिल होना चाहिए। आप कह रहे प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपका नाम लेकर चला रही है, तो क्या आपसे इन लोगों ने संपर्क किया था? नहीं, खबर चलाने के ये खबर चलाने से पहले मुझसे किसी से बात नहीं किया है, किसी ने भी मेरे को पूछा नहीं है, किसी ने भी बोला नहीं है। मुझे आज सवेरे बोला ना, मुझे आज सवेरे मालूम पड़ा है कि भाई वो ऐसा ऐसा कार्रवाई हुआ, तेरा नाम चल रहा है। बोला मेरा उसमें कोई रिलेशन ही नहीं है। बोले क्यों चला रहे लोग, मुझे उसके बारे में कुछ मालूम नहीं था, कल तक मुझे मालूम नहीं था कुछ कार्रवाई हो रही है, क्या हो रही है मेरे को मालूम ही नहीं है, मैं बंबई में था 2 दिन से। तो ये थे आरिफ इराकी, जिनका साफ कहना है कि जो दीवा में मनपा की तरफ से कार्रवाई की गई है उसमें इनका नाम आ रहा है, लेकिन जो इन्होंने हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल की थी वो मुमरा से थी, ना कि दीवा से। जो दीवा में कार्रवाई की गई है वो किसी और की पिटीशन थी, उसके ऊपर वहाँ पर कार्रवाई की गई है। ये लगातार मुमरा शहर के लिए जो है मैंग्रोव का इशू उठाते रहे हैं, और इसके लिए जो ये एक बार जेल भी जा चुके हैं, लेकिन दीवा में जिस तरह से कार्रवाई हुई इलीगल बांध को लेकर, और वहाँ पर काफ़ी हंगामा भी मचा, और इनका नाम सामने आने के बाद जो है इनके जान को भी अब खतरा बताया जा रहा है। हालांकि इन्होंने जो है पुलिस को इसके बारे में जानकारी दे दी गई है, अपनी सुरक्षा की भी मांग की है। कैमरामैन रहमान के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।